हाँ भाई, सभी को आवाज सुनाई दे रही मेरी? एक लाइट नहीं आ रही है? अभी ध्यान दें। ईमान की खुशबू आपके आवाज आ रही है? सही, सिग्नल क्लियर है। ये टॉपिक पढ़ा है बेटा थोड़ा बहुत? ऐसा है, एक दो दिन रुक जा, फिर हम तेरे को ना, आप तो जितना तेरे को क्लियर हो करेगा, ठीक है? फिर मैं समझा दूँ। क्या चीज़ है? पंद्रह तारीख से पेपर हैं तो सिलेबस तो करवा दिया। देखो, जो आएगा 15 तक जितना हो जाएगा, अब ये टॉपिक करा के फिर रिवीजन लेंगे हम, पुराने टॉपिकों का नया नहीं कराएंगे, ठीक है ना? सुनो भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ कराएंगे सर? कौन सा? मतलब पूछना? अरे कल 15 से 18 छोड़े थे, कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? 15th क्वेश्चन हो गया था, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मीट इट एट द पॉइंट -1, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। देखो सुनो भाई, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, बेटा वो कहता है ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट इट एट पॉइंट -1, 2। वो कहता है इसको -1, 2 पर मीट करती है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सी। देखो क्या कहता है बेटा, कि यहां से ओरिजिन से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो जो फुट है वो ये -1, 2 है, हमें एम एक्स प्लस सी की वैल्यू निकाल। देखो क्या है, ये ओरिजिन है आपका, तो स्लोप ओए, ओए का स्लोप बताइए आप क्या क्या होगा? ओए का स्लोप y2 -y1, लाइन का स्लोप होता है बेटा, कोऑर्डिनेट तो पढ़ रखी है ना, y2 -y1 अपॉन x2 -x1, y2 -y1 2 -0 अपॉन x2 -x1 -1 -0, ठीक है? उसके बाद एक लाइन ये है, इसका स्लोप, और इसका स्लोप है एम एक्स प्लस सी का, ये फर्स्ट, और स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट का स्लोप, इस लाइन का स्लोप ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम स्लोप है। ये आपका एम वन है और ये एम टू है, क्योंकि ओए, सिंस ओए परपेंडिकुलर टू, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, लाइन फर्स्ट, ओए लाइन फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, ओए ओए इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो एम वन
ये आपका 2 by -1 इंटू एम टू दूसरे का स्लोप और इसका 2 - 1 एम आ जाएगा 1/2 एम की वैल्यू आ गई। यहां तक बताओ हिमांशी खुशबू रजत कुछ है अभी थोड़ा सा ये पहली लाइन समझ आ गई स्लोप होता है y2 - y1 x2 - x1 पीछे की मैं तेरे को ना एक दो दिन की वीडियो भेजूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा ठीक है नहीं फिर एक दिन तेरी क्लास लगा ज्यादा टाइम नहीं अच्छे बच्चे के लिए एक दिन का ही काम है। हाँ भाई सैटरडे को बुला कर करा दे हाँ स्लोप ऑफ ओए बोल भाई रजत ओए का स्लोप पता लग गया इस लाइन का एम है दोनों का प्रोडक्ट -1 पूछना है किसी को।